जनसुराज पद यात्रा के मुखिया प्रशांत किशोर ने राजनीति में जाति हावी नहीं है पर कहा कि बिहार के लोगों ने कभी सोचा कि नीतीश कुमार और लालू यादव के जाति के लोग बिहार में कितनी संख्या में रहते हैं। आपको लगे कि हमारी जाति के लोग जब अधिक होंगे तभी हम राजनीति कर सकते हैं, तो इस बात में आपको एक जरा भी सच्चाई नहीं दिखेगी। देश में अलग अलग राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति उस राज्य में सबसे ज्यादा हो। आगे क्या कुछ कहा वो सुने। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। भाई नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं। पूरे देश में जब भी आपको लगे कि हमारे जाति की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी हम राजनीति कर सकते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत में, प्रखंड में, विधानसभा में, जिले में, तो आप याद रखिए कि जितने देश में मुख्यमंत्री हैं बिहारी का नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति की संख्या उस राज्य में सबसे ज्यादा है। यह आपका भ्रम है कि हमारा जाति का संख्या होगा तभी हम जीत सकते हैं। जाति की संख्या एक उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है, अगर यहां पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन सुराज की यह जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। और अगर समाज हमको नहीं चुन रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में, हमारे विचार में, हमारे प्रयास में कमी रह गई, इसलिए हमको आपको और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम सोना बनकर दिखेंगे तो कोई समाज का आदमी हमें इन तिरस्कार नहीं करेगा।